हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबको। क्या कर रहे हैं? आई होप कि सबको अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी 9:50 हो रहा है टाइम, और अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, और अभी मैं जाऊँगी लंच बनाने। और आज इवनिंग में मुझे एक शादी में जाना है, तो मैं सोच रही हूँ मैं जिस तरह से रेडी होंगी, जो साड़ी पहनूंगी, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। और मैंने एक ज्वेलरी ऑर्डर किया था शादी में पहन के जाने के लिए, लेकिन वो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ। पता नहीं अब शाम से पहले वो मुझे रिसीव होगा कि नहीं। वैसे तो दिखा रहा है आज ही डिलीवरी डेट दिखा रहा है, पता नहीं मिल जाने से तो अच्छा है, नहीं तो मैं सैड हो जाऊंगी। देखते हैं आता है कि नहीं, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। मैं कैसे तैयार होती हूँ वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, और जिस तरह से मैं मेकअप करूंगी वो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अभी मैं जल्दी जल्दी अपना पूरा काम ख़त्म कर लेती हूँ। लंच बनाना होगा, उसके बाद रेडी होके फिर रील्स बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे तैयार हुई हूँ। तो चलिए मिलते हैं लंच के बाद। तो ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। इस तरीके से मेरा मेकअप पूरा कंप्लीट हो चुका है, और सिर्फ मैंने बिंदी नहीं लगाया है तो वो भी मैं लगा लेती हूँ, और कान में मैंने ये पहना है, और इस तरह से ये साड़ी मैंने वेयर किया है, ब्लैक कलर का साड़ी और इसके साथ ब्लैक ब्लाउज। मुझे सिर्फ रिसेप्शन में ही जाना है तो इसलिए मैंने इस तरीके से मेकअप किया है और ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो मैं बिंदी लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कैसी लगती हूँ। तो ये देखिए मैंने बिंदी लगा लिया है और मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है इस तरीके से। तो मैं बिंदी लगा के कैसे लग रही हूँ, बिंदी बिना लगाए कैसे लग रही थी, और बिंदी लगाने के बाद कैसे लग रही हूँ, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।